चलचंचल हेबो देशर सबुठु बड़ एयार स्ट्रिप अमरदा एयार स्ट्रिप्र विकास पई प्रतिरक्षा विभाग अनुमति रासगोविंदपुर भुवनेश्वर को उड़ीबो विमान देशर सबुठु बड़ एशिया महादेशर सर्वबृहत एयार स्ट्रिप जहार विकास पई अनुमति देछि प्रतिरक्षा विभाग। मयूरभंज जिला रासगोविंदपुर निकट अमरदा एयार स्ट्रिप केन्द्र सरकार बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रणालय द्वारा उड़ान योजना रे शामिल होता बेले एक स्वतंत्र आरसीएफ मार्ग भाव भुवनेश्वर अमरदा रोड को अंतर्भुक्त करा जायछि। ओडिशा सरकार को कार्य आरंभ पूर्व 160.35 एकर जमी बाबदे 26,03,10,338 टंका दाखल करने को पड़ ए बाबदे एक स्वतंत्र बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स गठन पर राज्य सरकार को परामर्श दिया जाएगी। एही बोर्ड जमीर सीमा चिन्हट कर मूल्य निर्धारण करे सरकार और बेसरकारी संपत्तिर निरापत्ता प्रति ध्यान दे यार उच्छेद किंवा अन्यत्र स्थानांतर पर पदक्षेप ने जहाँकि विज्ञप्ति प्रकाशर 4 सप्ताह मध्य संपूर्ण होगा आवश्यक उल्लेख रही। केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षर सबुज संकेत आसवाप जिलावासी महल रे उत्साह महल देखा मिली। मयूरभंज जिला रासगोविंदपुर स्थित अमरदा एयार स्ट्रिप द्वितीय विश्वयुद्धर मुकसाक्षी कहुआ ये अमरदा एयार स्ट्रिप एवं विकास होगा जा स्थानीय अंचल आकु लोके स्वागत योग्य पदक्षेप कहुआ बेले यार विकास दीर्घ दिन दाबी हो आसुला यहाँ मयूरभंज गोटे बहुत बड़ पॉजिटिव डेवलपमेंट सकारात्मक घटना विकास बोले कहींपर कहीं ये गोटे आम बहु प्रतीक्षित जमी रेल कथ आम कहूँ तो मयूरभंज माटी से भी बहुत जोर चित्कार कैर कारण द्वितीय विश्वयुद्धर स्मारक हिसाब से आज विषय ढड़ाई तो यहाँ बड़ कथा मत लगुच यहीटा ही दिशा द मेन बटलनेक माने भारत सरकार अनुमति मिलून जिनस असुविधा था बेले बेले आसिक जो मैंने अध्ययन करके जाते भाइबिलिटी नाई फिजिबिलिटी नाई सच थिंग्स वेर कमिंग अप तो बर्तमान जेहतु प्रतिरक्षा मंत्रालय आम देश रक्षा विभाग डिफेन्स मिनिस्ट्री क्लीयर करदेला डीआरडी को भी सही लाइन में चिठी कर आजिका दिन में ही इश्यू चिठीटा तो बर्तमान मुझे कामटा आगे मैंने एयर स्ट्रिप कार्यर प्रगति गोटे सबुज संकेत कहीपर आसने तो भल शुणुची तो चार पाँच वर्ष आगर पाखर शुणुची आस आर फेर हम कहीं कहीं आसूँ कहीं 9 गाँ आदिवासी रोचा से भाई मानक थैथान करवा उचित जदि एक विमान अवतरण केन्द्र कराए और डिफेन्स जदि सैनिक तालीम स्कूल कराए तो आम सेना बाहन अनेक डेभलप हो। एशियार सर्वबृहत एयार स्ट्रिप जिला सदर महकुमा बारिपदारु मात्र 40 किलोमीटर दूर से होता बेले बालेश्वर सहर मात्र 51 किमी दूर से अवस्थित 1949-45 मध्य रासगोविंदपुर ठारे लंडन नेतृत्व में आमेरिकार अनुसंधान में प्राय 600 एकर जमी में ब्रिटिश सरकार रॉयल एयरफोर्स कंपनी द्वारा यह एयरपोर्ट प्रतिष्ठा होता सेतबले निर्माण में प्राय 3 कोटी टंका खर्च होता 1943 मसीह एयरपोर्ट को सामरिक शिक्षा केन्द्र व विमान चलाचल प्रशिक्षण केन्द्र एयर फाइटिंग ट्रेनिंग सेंटर भाव व्यवहार करा जहाँ द्वितीय विश्वयुद्ध समय मोड़ बदल एठार बड़ बड़ बोमावर्षा युद्ध विमान द्वारा शत्रुपक्ष को टार्गेट कर ଏଇଟା ବୋଧେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୃଥିବୀର ବି ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ର ବଡ଼ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ 600 ଏକରର ଗୋଟେ ରେଡ଼ିମେଡ୍ ଆମର ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ MRO ଫାସିଲିଟି କରିବୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ 50,000 ମାନେ 50,000 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ର ବେନିଫିଟ୍ ଆସିବ 600 ଏକରକୁ DRDO2 ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ଫରେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଏଠି ଆସିବେ କାହିଁକି ଆମର ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେବ ଆଉ ହଂକଂ ଆଉ ଏଠି ଯିବେନି ଆଉ ଏଇଟା ନେଟ୍ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅର୍ନର ହେବ ବହୁତ ଆମେ 6,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇବୁ ଯଦି ଆମେ ଏ କାମ ବଢ଼େଇବୁ ଯାହା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି DRDO2 ଏବଂ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ କେବଳ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଆସ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁସିର ଖବର ବହୁତ କିଛି ଏଠି ଆମେ ଉପକାର ପାଇପାରିବା ରୋଜଗାର ମିଳିବ ଚାକିରି ମିଳିବ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦିନେ ଜାପାନ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର ଜାହାଜ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଇଏ ଅମରଦା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଦିନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଅମରଦା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଓ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବେଳେ
ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏଠାରୁ ସୁଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅମରଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।